हेलो गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ न्यूज टॉक चैनल में। श्रीलंका के सबसे महान हाथी की अभी सुरक्षा करेंगे हथियार वाले जवान, और इसके ऊपर वहां की सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, मेरे साथ बने रहिए। अगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। अगर आप लोगों को याद हो 70 साल टिकरी के बारे में, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि उसके ऊपर श्रीलंका में ही अत्याचार किया जा रहा था। वहां पर कुछ फेस्टिवल होते हैं जहां पर हाथियों को लेके जाया जाता है और वहां पर उनके ऊपर भार उठाया जाता है, सब चीजें की जाती है, और उसके दौरान ही एक हथनी की फोटो बाहर आई थी जो कि एक फोटोग्राफर ने सोशल मीडिया पे डाली थी। वहां पर पता चल रहा था कि टिकरी की हालत बहुत ही ज्यादा बेकार है, उसकी हड्डियां तक दिखाई दे रही है, पर उसका मालिक फिर भी उससे काम करवा रहा है। वो 70 वर्ष की एक हथनी थी जो कि श्रीलंका में सबसे बड़ी हथनी थी एज में। अभी आप लोगों को पता है कि हमने ये भी वीडियो बनाई कि उसकी हाल ही में ही मौत हो चुकी है। पहले इलाज चल रहा था, सब चीजें ठीक हो गई थी, उससे कोई काम नहीं करवाया जा रहा था, पर उसकी एज हो गई इसीलिए उसकी मौत हो गई। और उसके बाद अभी श्रीलंका से फिर दोबारा से एक खबर आ रही है जहां पर अभी इस हाथी को एक्चुअली सबसे महान हाथी माना जा रहा है, और अभी इसकी एज 65 है, और सब हाथियों से सबसे बड़ा हाथी ये है। वहां की सरकार ने अभी इसको सुरक्षित करने के लिए वहां पर जवान तैनात कर दिया। आपने नेता तो बहुत सारे देखे होंगे जिनके पीछे जवान तैनात रहते हैं, बॉडीगार्ड तैनात रहते हैं, सेलिब्रिटीज देखे होंगे, पर ऐसा कोई जानवर नहीं देखा होगा जहां पर ये लोग भी तैनात रहते हैं। पर श्रीलंका में इसके पीछे पुलिस वाले इवन उसके बॉडीगार्ड तैनात रहेंगे कि इसको कभी भी कुछ भी मुश्किल ना हो, क्योंकि वहां पर जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल के चलते हुए वहां पर हाथी सब प्रदर्शन करते हैं, और वहां पर सब लोग हाथियों को बहुत ही ज्यादा मानते हैं, क्योंकि वहां पर जो उनके बुद्ध धर्म की जो एक स्टैचू है उसके अकॉर्डिंगली वहां पर फेस्टिवल मनाया जाता है, और उस स्टैचू को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, जो कि स्टैचू ये हाथी ही उठाते हैं। उनमें से सबसे बड़े हाथी के लिए वहां की सरकार ने अभी पुलिस वहां पर एक टुकड़ी वहां पर तैनात कर दी है, और ये क्यों तैनात की है, क्योंकि उन लोगों को कुछ मुश्किल ना हो। सो गाइस, जहां पर ये खबर ही श्रीलंका से आ रही थी कि टिकरी के ऊपर इतना ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है, वहीं पर हमारे सामने एक और ऐसी खबर आ रही है जहां पर उन्होंने टिकरी की मौत के बाद हाथियों के ऊपर होने वाले अत्याचार जो होते हैं उन चीजों को एकदम क्लोज कर दिया है, और इंसान से भी ज्यादा बड़ा उनको रुतबा दे दिया है। आपको कैसा लग रहा है जो कि उनकी सरकार ने ये कदम उठाया है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और साथ के साथ लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर आपने हमारी वो वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने टिकरी के बारे में बताया था, तो पिछली वीडियोस जाके जरूर देखिए, क्योंकि बहुत अच्छी गई थी वो वीडियो, और आपने हमें बहुत अच्छा प्यार दिया था उस वीडियो पे, और इस वीडियो को भी हम चाहते हैं कि आप उतना ही प्यार दें, उतना ही कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं लेती इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।